ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡ଼ରରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯବାନ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, କି ଓଟୋରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଜିପ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଲମ୍ବା ରଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, ଏଭଳି ମରୁଭୂମି ଏଠି ବିଛେଇ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି, କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜେସେ କି ଆପ ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ହମ ଦେଖ ରହେ ଥେ ଫୁଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋ ରହା ଥା, ଚଲକେ ଆ ରହେ ଥେ ଚଲକେ ଯା ରହେ ଥେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋ ରହା ଥା, ଫିର ଓଟୋ ମେ ଆ ରହେ ଥେ ଓଟୋ ମେ ଫିର ଯାକେ ୟେ ଅବ ଜିପ୍ ମେ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋତା ହେ। କେସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋତା ହେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କେ ସମୟ ମେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଆପ ଲୋକ କାମ କରତେ ହେ, କେସେ ଯୋ ବିପକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ହେ ଶତ୍ରୁ କୋ କେସେ ଆପ କଡ଼ି ନିଗ୍ରହ ପେ ଆପ ରଖତେ ହେ, କେସେ କ୍ୟା କରତେ ହେ। ହମ ସାମନେ ଵାଲୋ କୋ ଆରାମ अपने ऑब्जर्व में रखते हैं, उनको देखते हैं, उनकी एक्टिविटी देखते हैं, सारा नोट करते हैं, फिर अपना पूरा जो भी एक्टिविटी होती है उनको आगे बताते हैं। फिर आगे बताते हैं तो वो लोग आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। कितना कितना घंटा जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पेट्रोलिंग होते हैं, और उस साइड में क्या एक्टिविटीज जैसे होता है, और आप लोग जैसे कि सुरक्षा देते हैं दिन रात 2400 घंटे आप लोग यहाँ पे सुरक्षा में जैसे तैनात होते हैं, क्या क्या काम रहता है? और जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाएँ BSF आप लोग आके महिलाएँ हैं BSF में हैं, घर में कौन कौन है, कैसे छोड़ के आए हैं, कैसे उन लोगों से बातचीत होते हैं, महीने में कितने बार आप घर जाते हैं, कितने बार आप घर जाते हैं, कितने बार आप घर से घर वालों से मिल सकते हैं, और यहाँ पे जैसे आप लोगों की सुरक्षा दे रहे हैं, घर में कौन कौन है? वैसे घर में मम्मी है, पापा है, सास ससुर है, मेरी शादी हो रखी है, बच्चे हैं। बच्चे हैं आपके घर में, शादी है, शादी भी कर चुके हैं आप, तो कैसे इस दोनों अगर देखा जाए कि घर वालों की भी सुरक्षा है और यहाँ पे पूरा धरती का भी आप सुरक्षा दे रहे हैं? ऐसे है कि जैसे घर पे जाते हैं तो घर पे हो जाते हैं, बॉर्डर पे आते हैं तो बॉर्डर के लिए हो जाते हैं। तो मतलब कि पहले पहले होता था बच्चों को छोड़ने की दिक्कत आती थी, तो अभी डल जाते हैं। जैसे दो चार दिन लगता है मुश्किल, फिर हम इसी माहौल में डल जाते हैं। बच्चे का मतलब उम्र कितने है उन लोगों के, कितने बच्चे हैं, कितने उम्र है उनके? दो बच्चे हैं, एक 11 साल का है, एक 2.5 साल का है। बच्चों की याद आती है? आती है, बच्चों की याद तो आएगी, फिर भी यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये हमारी ड्यूटी है, ये अच्छा लगता है हमें यहाँ पे, ये हर किसी को नहीं मिलता है ना ये सब। मतलब ये बोल सकते हैं तो ये आपका सौभाग्य है? जी, ये सौभाग्य है कि हम घर भी संभालते हैं, बॉर्डर पे भी ड्यूटी करते हैं, तो हमें प्राउड फील होता है ये सब करके। घर जैसे कि हम सोचते हैं ना कि शादी कर चुके हैं, घर है, परिवार है, और उसके अलावा भी आप यहाँ पे हैं? जी है, दोनों को संभाल रहे हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं, तभी मैनेज कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जड़े मार कथा सुनुले, जड़े भारत रो झीर कथा सुनुले कि जड़े मार मतलब घर का भी काम जैसे आप करते हैं, और यहाँ का भी मतलब पेट्रोलिंग भी करते हैं, देश की सुरक्षा में आप तैनात हैं, कैसे क्या करते हैं, दोनों को मैनेज कैसे कर लेते हैं? दोनों को मैनेज कर लेते हैं। जब घर में ज़रूरत होती है तो हमें छुट्टी मिलती है, हाँ। तो छुट्टी चले जाते हैं, जैसे कोई फंक्शन हो, शादी हो, जो कुछ भी हो जाए, एनीबॉडी, इसमें छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाते हैं, जब भी जाना हो, ज़रूरत होती है तो चले जाते हैं। मैम यहाँ पे अगर ये पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब समर सीजन में लगभग 57-58 डिग्री में आप लोग यहाँ पर काम करते हैं? जी मैम, हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में 55 तक के टेम्परेचर चले जाता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग उसी के हिसाब से होती है, तो हम उस मौसम को हमारा शरीर झेल लेता है और हम अच्छे से ड्यूटी करते हैं। इधर रेगिस्तान बा मरुभूमि, यही मरुभूमि रे आमर महिला BSF माने मध्य उपस्थित रही छंती, आउ एठी आमको सुरक्षा दउछंती। गोटे पटे विपक्षर नजर रही आम उपरे, आउ सेही नजर को दमन करिवा पई आम देशर महिला माने भी किछि कम नुहे, सेमानंकर भागीदार भी एठी सबुठ अधिक रही BSF रे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।